नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीकेबी न्यूज की ओर से आप सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर नागपुर में पुलिस प्रदर्शनी का आयोजन, 11 से 15 अगस्त तक लगाए जाएंगे विविध स्टॉल्स। नागपुर में हर घर तिरंगा चित्र रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो की एक पहल। और नागपुर में कैदियों के लिए जीवन गाने गाता जावे का आयोजन, बंदियों को भी मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका। अब खबरें विस्तार से। नागपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर पुलिस भवन में पुलिस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी 11 से 15 अगस्त तक रहेगी। इस एग्जीबिशन में वुमेन एम्पावरमेंट पर आधारित स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में विविध प्रकार के इवेंट्स रखे गए हैं। पुलिस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है लोगों में जागरूकता बढ़ाना। पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से लोगों को पहुंचाए जाने वाली विविध सुविधाओं के बारे में, पुलिस के शास्त्रों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ पुलिस डिपार्टमेंट के विविध शाखाओं के महत्व के बारे में लोगों को बताया जाएगा। प्रियंका जायसवाल है, आई एम इनटू फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग। सो नागपुर पुलिस पर्सनली ने ये 5 डे का फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, एंड स्पेशली आई एम हियर बिकॉज यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट एंड सिक्योरिटी के लिए कितना कुछ एग्जीबिशंस एंड स्टॉल्स लगा हुआ है। सो आई जस्ट वेंट अबाउट और सबके स्टॉल्स में पूछे कि क्या किया जा सकता है। तो आप आइए और विजिट करिए, क्योंकि अवेयरनेस रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। थैंक यू। हाँ, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है यहाँ पर। सभी ऑफिसर से मिलने के लिए संधि मिली हमको, इसलिए हम बहुत खुश है। यहाँ पर सिंगिंग वगैरह का देखा, इधर प्ले जोन में भी गए थे हम, बहुत अच्छा लगा। आज हमें यहाँ पुलिस प्रदर्शनी में, पुलिस भवन में हम यहाँ आए हैं। बहुत सारी विविध प्रकार की पुलिस लोगों, यानी इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कई सारी अलग अलग जो सुविधाएं हैं या जो चीज़ें हैं वो हमें देखने मिली। जैसे पुलिस ये हमारी किस प्रकार से मदद करती है, किस प्रकार सहायता करती है, कुछ हो जाए तो उसके बारे में हमें जानकारी मिली। उनके अलग अलग वेपन्स किस प्रकार से होते हैं, ये सारे हम उसके बारे में हमें जानकारी मिली। आज हम ये पुलिस प्रदर्शनी में आए हैं, जहाँ हमने गणवेश प्रदर्शन देखा, जहाँ कुछ अलग अलग डिफेंस के उनकी मैकेनिज्म के लिए क्या क्या उन्होंने इक्विपमेंट्स रखे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स वो यूज़ करते हैं, वो सब देखे गए। उन्होंने हमें उसके बारे में जानकारी दिए। पहले वाटत होता कि पुलिसांकडे का बरं जावं वगैरह, बट येऊन इथे माहिती पडलं ऍक्च्युअली की काय आहे म्हणून। आणि याच्यानंतर मग यानंतर वाटतं की आणि यायला पण पाहिजे मुलांनी, आणि यानंतर वाटतं की बा का बरं इथे आर्म फोर्सेसमध्ये किंवा सिक्युरिटी म्हणजे सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये मुलं का बरं आपली तयारी देतात। आणि मला पण उत्साह बघून आवडला, आणि फॅसिलिटीज खूप चांगल्या झाल्या ज्या पहिले नव्हत्या। भारी बारिश से यवतमाल जिला बाढ़ की चपेट में आने से लाखों हेक्टर भूमि नष्ट हो गई है, जिससे किसान बुरी तरह से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने 13,600 रुपए प्रति हेक्टर की सहायता देने की घोषणा करने से संतप्त किसानों ने किसान वारकरी एसोसिएशन की तरफ से यवतमाल में अर्धनग्न धरना दिया और हेक्टर 50,000 रुपए के भुगतान देने की मांग की है। जी अतिवृष्टी झाली त्यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्याचं संपूर्ण पीक जे आहे ते शेतकऱ्यांचं बर्बाद झालेलं आहे। कपाशी बर्बाद झाल्या, सोयाबीन बर्बाद झालं, तुरी बर्बाद झाल्या। अशा परिस्थितीमध्ये सरसकट शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपये मिळाले पाहिजे। किमान मर्यादा 3 हेक्टरची असली पाहिजे। आणि चालू वर्षाचं पीक कर्ज जे आहे खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी जे घेतलेलं आहे ते पूर्ण माफ झालं पाहिजे। आणि सरसकट शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, यासाठी आज आम्ही अर्धनग्न आंदोलन केलेलं आहे। कलेक्ट्रेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के सहयोग से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए गए सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के सूचना निदेशक हेमराज बागुल ने आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, कोविड बूस्टर टीकाकरण चित्र रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 15 अगस्त 2022 तक नागपुर जिले और शहर में लागू किया जाएगा। इस अभियान में नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील की गई है, जिसे 13 से 15 अगस्त के बीच लागू किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, महाराष्ट्र और गोवा, जिला सूचना कार्यालय नागपुर द्वारा तैयार किए गए
ऑडियो क्लिप के माध्यम से नागरिकों के बीच तिरंगा फहराते समय नागरिकों को क्या करे क्या न करे के बारे में जन जागरूकता पैदा की जाएगी। नागरिकों से भी आग्रह किया गया है कि वे खुद को कोरोना से बचने के लिए बूस्टर टीकाकरण का लाभ उठाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देशभक्ति गीतों के माध्यम से जन जागृति होगी। यह चित्ररथ जिले के हर तालुका में चला जाएगा। इस अभियान में जिला प्रशासक व जिला सूचना कार्यालय को सहयोग मिला। केंद्रीय संचार ब्यूरो के उपनिदेशक निखिल देशमुख के मार्गदर्शन में सहायक निदेशक हंसराज राउत, केंद्रीय संचार ब्यूरो नागपुर के तकनीकी सहायक संजय तिवारी, संजीवनी निमखेड़कर, नरेश गजकया और अन्य अधिकारी और कर्मचारी कार्यक्रम की सफलता के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। स्वागत है। रक्षाबंधन आज पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अमरावती में भी अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने अपने आवास पर रक्षाबंधन मनाया। नवनीत राणा को केंद्र सरकार से Y+ सुरक्षा मिली है। अमरावती पुलिस ने भी नवनीत राणा को विशेष सुरक्षा दी है, इसलिए नवनीत राणा ने राखी बांधकर अमरावती पुलिस और CSF जवानों को उनकी 24 घंटे सुरक्षा के लिए तैनात है, उन्हें राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। राज्य भर की 36 प्रमुख जिला केंद्रीय जेलों के बंदियों के लिए शैक्षिक, सांस्कृतिक और परामर्श कार्यक्रम 11 अगस्त को एक दिन जीवन गाने गातत जावे आयोजित किया गया। इसी के तहत जिले में 11 अगस्त को सुबह 11 बजे कलेक्टर पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस समय देश के स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसके तहत स्वराज्य महोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक मामलों के निदेशालय के माध्यम से राज्य भर में विभिन्न सांस्कृतिक, देशभक्त, महान संतों, वरिष्ठ लेखकों और कवियों,
महापुरुषों के जीवन कार्यों पर आधारित एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिला केंद्रीय कारागार में बंदियों को स्वतंत्रता, देशभक्ति, योग के महत्व की शिक्षा व परामर्श देने वाले इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन 11 अगस्त को सुबह 11 बजे कलेक्टर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में होगा। बंदियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र की लोक कला के साथ साथ बंदियों को योग के महत्व, देशभक्ति को समझाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्य के संस्कृति और गृह मामलों के विभाग के सहयोग से पूरे राज्य में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में जिला जेल के बंदियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। एक ही समय में 36 जिला केंद्रीय जेलों में बंदियों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए महाराष्ट्र के साथ साथ देश में यह पहली पहल है। बरसात के दिनों में जंगली सब्जियों का स्वाद लेना बहुत ही आनंददायक होता है। तदनुसार परियोजना निदेशक आत्मा नागपुर, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी एवं कृषि विभाग जिला परिषद नागपुर के सहयोग से सरपंच भवन परिसर में वन्य सब्जी महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने किया। इस अवसर पर विधायक सर्वश्री सुनील केदार, राजू परवे, जिला परिषद उपाध्यक्ष सुमित्रा कुमरे, कृषि एवं पशुपालन अध्यक्ष तपेश्वर वैद्य, समाज कल्याण अध्यक्ष नेमावली माटे, जिला परिषद सदस्य कुंडा राउत, आत्मा परियोजना निदेशक डॉक्टर नलिनी भोयर, सभागीय आयुक्त कृषि निदेशक मिलिंद शेंडे, आत्मा परियोजना के उपनिदेशक प्रभाकर शिवंकर आदि उपस्थित थे। इस महोत्सव में अनेक वन्य सब्जियों को स्टॉल में रखा गया था। नागरिकों को इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल गोंदिया व रेलवे सुरक्षा बल गोंदिया अपराध गुप्तचर शाखा गोंदिया ने संयुक्त जाँच के दौरान योजनाबद्ध तरीके से यात्री सामान की चोरी करने वाली 3 महिलाओं के गैंग को पकड़ा व चोरी किया हुआ आभूषण व नकदी बरामद करने में सफलता प्राप्त की। दिनांक 10 अगस्त 2022 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गोंदिया के अफसरों व जवानों द्वारा आगामी पर्व स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेलवे स्टेशन गोंदिया में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर संगन जांच के दौरान लगभग 12:50 बजे गाड़ी संख्या 07821 गोंदिया तिरोडी लोकल आने पर इनमें चढ़ने वाले यात्रियों की भीड़ में 3 संदिग्ध महिलाएं यात्रियों के सामान से छेड़छाड़ करते हुए एवं सामान की टोह लेते हुए दिखाई दी, जिस पर उपरोक्त टीम द्वारा उन्हें रोका गया और उनसे पूछताछ की गई। तत्पश्चात स्टेशन में उनकी परिस्थिति के संबंध में अधिकार पत्र आदि पूछने पर टालमटोल जवाब देने लगी और भागने का प्रयास करने लगी, जिस पर उपरोक्त टीम द्वारा उन्हें घेर कर पकड़ा गया। आगे अधिक पूछताछ करने व महिला सावनी द्वारा 3 की तलाशी लेने पर संदिग्ध महिला क्रमांक 01 के कब्जे में एक लाल रंग के कपड़े का छोटा पर्स में से 10 नग पीले धातु के लंबे मोती और 12 नग पीले धातु के गोल मोती एवं एक पीले धातु का लॉकेट बरामद हुआ। संदिग्ध महिला क्रमांक 2 की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक लेडीज पर्स में 700 रुपए नगद बरामद हुए। पकड़ी गई तीनों संदिग्ध महिलाओं से बरामद सामग्री व नगद पैसों के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो तीनों योजनाबद्ध तरीके से घेरा डालकर महिला यात्रियों के पास से उनके कीमती सामानों की चोरी करती है। इसके पश्चात उनके पास से बरामद पीली धातु को बाजार में विशेषज्ञ से जांच कराने के उपरांत यह 23 कैरेट सोने की धातु से बना हुआ पाया गया, जिसका वजन 08.08 ग्राम एवं वर्तमान बाजार मूल्य 29,660 रुपए था। इस तरह स्वास्थ्य जांच उपरोक्त आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु उक्त महिलाओं को शासकीय रेल पुलिस गोंदिया को सुपुर्द किया गया। तो बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।